का जो माहौल है आज ईद मुबारक है और यहाँ पे इमाम साहब यहाँ पे मौजूद है गनी भैया गनी खान। हम पहले इमाम साहब के पास जाएंगे। न्यूज़ सुपर की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। भैया आज का जो माहौल है, ये जो भाईचारा हम लोग देख रहे हैं, आज के ये पवित्र दिन में क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि अभी आज जो दुनिया में जितनी नफरत है उसका जवाब प्यार मोहब्बत ही है ना। प्यार मोहब्बत से ही नफरत को ख़त्म किया जा सकता है। हम चाहेंगे पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान के अंदर जो है नफरत को ख़त्म किया जाए और भाईचारा और अख़ुवत को फ़रोग दिया जाए। गनी भैया आपके पास आएंगे, आज के ये जो एक मास आप लोग रोज़ा रखे हैं और आज का ये जो खुशी का माहौल हम देख रहे हैं, इतना सारा हम लोग का भाई है और यहाँ पे जो प्यार जो मोहब्बत यहाँ पे बांटे जा रहे हैं, जो दिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हाजी नगर एक मिनी भारत है और इस मिनी भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं और ईद उल फित्र का ये पैगाम देता है। ये एक महीना रोज़ा रखने के बाद रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखने, ये हम लोग शुक्राना दो रकात का नमाज ईद उल फित्र का अदा करते हैं और इसमें हम लोग को खुशी में हमारे बिरादर वतन या हमारे देश का हमारे मुल्क का अमन अमान बरकरार रखने के लिए इमाम साहब भी दुआ आपके सामने देखा होगा कि इमाम साहब भी दुआ किए हैं कि हमारा हाजी नगर पूरा बंगाल पूरा हिंदुस्तान हमारा अमन और शांति बनाए रखे। साथ ही साथ आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे बीच में हमारे बीजपुर के MLA विधायक सबोध अधिकारी चेयरमैन सुनाईदा भाई चेयरमैन डॉक्टर हमानीश भट्टाचार्य जी और काउंसलर गीता देवी काउंसलर अशोक यादव भी शामिल हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर एस के चंद्रा तमाम मैनेजमेंट के साथ। और मैं यहाँ जो नमाज अदा करता हूँ, जब से इस कारखाना जो आबाद हुआ है उस वक्त से हम ईद उल फित्र की नमाज यहाँ अदा करते हैं और जो भी मैनेजमेंट आए, लेकिन हमारा जितना भी इंतजाम होता है हुकुमचंद कारखाने के मैनेजमेंट इसकी इंतजाम करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि हाजी नगर को अमन और शांति के साथ हम रखें, यही कह के अपनी वक्तव्य करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ঠিকানা নিয়ে দুশ্চিন্তা এখন থেকে আর নয় চিন্তা, কারণ আপনাদের জন্য রয়েছে CMR কনস্ট্রাকশন। CMR কনস্ট্রাকশন মানেই হালি শহরের মতো এক সুন্দর স্থানে একেবারে রাস্তার ধারে নজর কাড়া সুসজ্জিত ফ্ল্যাট। এখানেই শেষ নয়, একই ছাদের নিচে পাচ্ছেন শপিং মল ও গাড়ি পার্কিং এর সুব্যবস্থা। কি ভাবছেন, দেরি না করে শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে, পেয়ে যান আপনার মনের ঠিকানা। কেশরী লাইট হাউস, কেশরী লাইট হাউস এবং কেশরী লাইট হাউস নিজেদের রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেশরী লাইট হাউস।